देखिए, जब से बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ है तब से अस्मैकर नशेड़ियों का गैंग एक्टिव हो चुका है। इस वारदात में पटना के रामकृष्णा नगर थाने अंतर्गत शाम को खेमनी चक में एक दंपति के घर पर लूटपाट की योजना से घर में दाखिल होते हैं और जब लूटपाट की योजना में नाकाम साबित होते हैं तो दंपति के ऊपर चाकू से हमला कर दिया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस जगह का जिस जगह पर अस्मैकर ने अपने लूटपाट की योजना में नाकाम साबित होने पर दंपति के ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया जिसमें दंपति बुरी तरीके से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया और वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आप खुद सुने। किसने आपके साथ चाकू मारा है? तो पहचान नहीं थे, जानते नहीं है उसको। हाँ, हम घर में बैठे हुए थे काम पर से आके। अच्छा, घर से मन ला के अपना घर में बैठे हुए। अनजान आदमी घर में घुसा था, घर में घुसा इसलिए हम लोग कहे क्या कौन लिखा है कहा घर में घुस गया। बोला कि ये अब ये एंड उन्ने करने लगा। हम लोग बाहर निकलो, बाहर बाहर निकालने की उसकी कोशिश किए हैं। कहा कि हम इसी जगह रहते हैं कि हमको पहचानते नहीं। इतने में हुआ कि ले आया कि वो आदमी का पता नहीं कौन कौन था। पहले तो ईटा से बात किया, फिर हम लोग जब उसको थोड़ा पकड़ करने लगे, हाथा मत करने लगे, तो उसने लगता है कि कोई चाकू को कोई जो है इस्तेमाल किया जो कि मारे हाथ पर पूरी तरह कहीं और मारने का कोशिश था। उसको पकड़ लिए, कहीं सोची समझी साजिश तो आपके साथ नहीं था? वैसी बात नहीं है, चोर चुहार लगता है इसका था, चक्का था, अस्मैकर टाइप का था। हाँ हाँ हाँ, पीले था ये लोग, दारू भी पीले है, पिए हुए। हाँ, दारू पीले था, इसलिए कर था इतना। तो कितने लोग से थे आपके? सिंगल आया थे। आपके घर पर अस्मैकर आपके घर में हेलकर हमला करता है? हाँ। क्या आप उनको जानते थे? नहीं। कौन लोग थे जो आपके घर? नहीं पता उसको कौन था। कोई दुश्मनी था? नहीं, दुश्मनी कोई नहीं था किसी से। किसी से नहीं। तो क्यों आपके घर में हेले? अस्मैकर था, वो चोर था, लूट लाक लूटपाट करने के लिए चाकू लिए हुए था हाथ में। अच्छा, वही पापा का निकालने के लिए तो चाकू मार दिया। अच्छा, आपको भी चोट लगा है? आप? नहीं, हमको चोट नहीं लगा, हमको सिर्फ धरने में ब्लड ब्लड दिखा लग गया है। तो आप उस पीड़ित परिवार के बयान को सुन रहे थे। अब सवाल उठता है कि क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है? क्या पुलिस इन नशेड़ियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है? क्या सवाल बहुत सारे हैं। क्या बिहार में इस प्रकार से वारदात होते जा रहे हैं? इससे तो लगता है कि आम आदमी को रास्ते चलना मुश्किल हो चुका है। मैं धीरज कुमार, आप तक सच न्यूज़।